हेलो एवरीवन, आप सबका कुक विद निशी में स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लच्छेदार प्याज पराठा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। प्याज पराठा बनाने के लिए मैंने लिया 1 कप आटा, आप मैदा भी यूज कर सकते हो। यहाँ पानी आटा गूंथने के लिए, नमक आधी छोटी चम्मच, आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। तेल मैंने लिया है पराठा बनाने के लिए और आटा में डालने के लिए। अजवाइन लिया मैंने आधी छोटी चम्मच। सबसे पहले डो तैयार करते हैं, इसमें अजवाइन डाल दूंगी मैं, नमक, दो छोटी चम्मच तेल डाल दूंगी मैं और इसे पानी डाल के अच्छे से गूंथ लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी करके चिकना डो तैयार कर लीजिए। तो डो हमारा रेडी हो गया है, देखिए। इसमें मैं थोड़ा सा और तेल लेके चिकना कर लूँगी। देखिए, मैंने 1 कप पानी लिया था, जिससे 1/2 कप ही यूज हुआ है और 1/2 कप बच गया है। अब मैं इसे थोड़ी देर छोड़ दूँगी रेस्ट करने के लिए। तो प्याज देखिए मैंने लंबा लंबा काट लिया है, ऐसे आप भी काट लीजिएगा। प्याज मैंने बहुत ही पतला पतला काटा है। अब मैं इसमें डाल दूँगी काली मिर्च पाउडर। यहाँ मैं नमक डाल दूंगी आधी छोटी चम्मच, 4 चाट मसाला डाल दूंगी, ये भी आधी छोटी चम्मच लिया था मैंने, ओरिगानो डाल दूंगी मैं आधी छोटी चम्मच। आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे मैं हरी मिर्च डालूंगी, ये मैंने 2 हरी मिर्च काट के रखा था। आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ मैं डालूंगी गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटे हुए लहसुन भी मैं डाल दूंगी आधी छोटी चम्मच। आप लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हो, इसे मैं अच्छे से मिला लूंगी। आपके पास जो मसाले है वही यूज कीजिएगा, ये कम मसाले में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आटा जो मैंने रखा था रेस्ट करने के लिए, उसे मैं थोड़ा सा और मसाले से सॉफ्ट कर लूँगी। अब आटे से थोड़ा सा लोई तोड़ ले, अब इसे हाथ पे दबा लीजिए। अब थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इसे बेल लीजिए पतला सा रोटी टाइप। तो देखिए मैंने पतला रोटी बेल के तैयार कर लिया है। तो अब मैं इसमें लगाऊंगी तेल। तेल को अच्छे से लगा लीजिएगा। तेल लगाने से हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज, जो मैंने मसाला तैयार किया है बना के, अच्छे से लगा लीजिए। प्याज पराठा बनाने में एक बात का ध्यान रखें कि जब आप नमक डालें तो उसी टाइम डालें जब आपको पराठा बनाना हो, क्योंकि ये पानी छोड़ता है। अब क्या करेंगे, इसे हल्के हाथों से दबा लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो प्याज है वो बेलेंगे तो निकलेगा नहीं। अब इसे रोल कर लेंगे, देखिए ऐसे रोल कर लीजिएगा आप भी, और इसे हल्का सा दबा देंगे और जो ये साइड से खुला हुआ है उसे भी दबा देंगे। अब फिर से इसे रोल कर लेंगे, और जो ये साइड से निकला हुआ है उसे अंदर डाल देंगे और फिर इसे चपटा कर लेंगे हाथ पे। बेलने से पहले इसमें हम सूखा आटा लगा लेंगे और फिर इसे हाथ से ही थोड़ा दबा लेंगे। बेलन पहले यूज ना कीजिए। हाथ से दबाने से क्या होगा, जो हमारा पराठा है वो फटेगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्याज भरा हुआ है। अब इसे हम हल्के हाथों से बेलन से बेल लेंगे। इससे ज़्यादा अब हम नहीं बेलेंगे इसको, क्योंकि ये थोड़ा छोटा ही रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्याज भरा हुआ है तो ये फट जाएगा। अब एक पैन ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। आप यहाँ घी भी यूज कर सकते हो। अब हम पराठा इसमें डाल देंगे।
पराठे को मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं। जब पराठा नीचे की तरफ से हल्का सिक जाए तो हम इसे अब पलट देंगे और इसमें तेल लगा लेंगे। अच्छे से चारों तरफ तेल लगा लेंगे और जब नीचे से क्रिस्पी हो जाए तो हम इसे पलट देंगे। देखिए कितना क्रिस्पी हो गया है। दूसरे साइड भी अच्छे से तेल लगा लेंगे और इसे अच्छे से दबा दबा के दोनों तरफ पका लेंगे। दोनों तरफ अच्छे से क्रिस्पी हो गया है तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे। तो किसी भी सब्जी के साथ खाएं और ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।